जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की बातचीत से बात बनाने की कोशिश भी बेअसर होती नजर आ रही है, क्योंकि घाटी में आतंकी वारदातें कम होने का नाम ले रही हैं। आतंकियों ने शोपियां जिले में एक बीजेपी नेता का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं और वो चप्पे चप्पे की तलाशी कर आतंकियों को खदेड़ने में जुट गई है। फिलहाल किसी भी आतंकी संगठन ने हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है। खबरों के मुताबिक शोपिया के बोनगांव गांव में कुछ आतंकी बीजेपी नेता गौहर अहमद बट के घर पहुंचे, जहां उन्होंने गौहर के परिजनों को जान से मारने की धमकी देते हुए अपने साथ चलने को कहा। हालांकि आतंकियों ने उनके परिजनों से कहा कि वह सिर्फ उससे कुछ पूछताछ करेंगे और छोड़ देंगे, लेकिन अपने साथ ले जाकर आतंकियों ने बीजेपी नेता की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने बताया कि गौहर अहमद बट की लाश को संदिग्ध हालत में दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के किलोरा इलाके से बरामद किया गया है। गौहर के शरीर पर कई जख्म के निशान थे। आपको बता दें कि गौहर अहमद बट बीजेपी युवा मोर्चा में जिलाध्यक्ष के पद पर पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे थे। गौहर अहमद जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग में काम करते थे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।